सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ एस गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है। आज की वीडियो है क्यू एन ए वीडियो। भाई तुम लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड की थी कि क्यू एन ए वीडियो लेके आओ लेके आओ लेके आओ, और अभी हमारे 0 से 12 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आज तक मैं एक भी क्यू एन ए वीडियो नहीं डाला हूँ। तो गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। आप लोग को मेरे बारे में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और काफी मजा आने वाला है। इनकम जी है, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछे। भाई मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था तो उसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। काफी ज्यादा मजा जो इस वीडियो के अंदर आने वाला है, पूरा वीडियो देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और मैं तुम्हारा टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। पूरा वीडियो देखोगे तो मतलब यार मजा आ जाएगा। वैसे थोड़ी ये बड़ी हो सकती है वीडियो, बट पूरा वीडियो देखोगे ना मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, पहला क्यू एन ए वीडियो चैनल पे 5 लाख लाइक कैम रखते हैं, बहुत बड़ा लाइक है। मैं देखते हैं तुम लोग कंप्लीट कर पाते कि नहीं, तो लाइक कर देना, ठीक है। तो गाइस अभी मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था, वहां पर तुम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे। भाई बहुत अलग अलग अजीब अजीब क्वेश्चंस है, तो चलो स्टार्ट करते। पहले तो नॉर्मल वाला क्वेश्चन है जो कि व्हाट्स योर रियल नेम, ठीक है। मेरा रियल नेम है साहिल राणा। वैसे बहुत लोगों को पता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, मेरा रियल नेम साहिल राणा है, ठीक है। और उसके बाद पूछा गया सेकंड क्वेश्चन है व्हाट्स योर एज। मेरा एज है 18 इयर्स का अभी मैं हूं। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट्स योर यूट्यूब अर्निंग। तो भाई यार ये बहुत बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था भाई कि यूट्यूब अर्निंग क्या है, भाई कितना कमाते हो यूट्यूब से, महीने में साल में कितना कमाते हो भाई। तो देखो यार, अब मैं तुम्हें ये एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि भाई मैं इतना कमाता हूँ या फिर ये भाई इतने पैसे कमाता हूँ, बट हाँ ये है कि यार मैं अच्छा खासा अर्न कर लेता हूँ यूट्यूब से। कि अगर मेरे जितने सब्सक्राइबर किसी के हैं और मेरे जितने व्यूज़ किसी के आ रहे हैं, तो यार वो अच्छा खासा अर्न कर ही लेता है यार। मतलब तुम लोगों को पता ही होगा यार, मतलब कैसे बताऊं तुम लोगों को हिंट भी नहीं दे सकता। मतलब अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, तो बस समझ जाओ तुम लोग, समझ जाओ बस यार। दाल रोटी चल जाती है, सुबह का खाना रात का खाना, गरीब आदमी हो यार, क्या अर्निंग वगैरह पूछ रहे हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई यार ये क्वेश्चन भाई पूरे के पूरे भाई 90% क्वेश्चन यही था भाई, व्हाट्स योर हु इज योर गर्लफ्रेंड, मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, बस यही। साहिल भाई गर्लफ्रेंड कौन है, क्रश कौन है, बस यही क्वेश्चन था भाई पूरे के पूरे क्यू एन ए में। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो यही था। तो भाई वैसे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है। अभी मेरा जो फोकस है मेन, और मेरा हमेशा काम पे ध्यान रहता है, अपना यूट्यूब पे रहता है। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना यूट्यूब पे देना चाहता हूँ। तो भाई यार इन सब लाइन में मेरे को मत घुसाओ, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो चलो अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है When you will go to boot camp? भाई boot camp में पूछ रहे बहुत सारे लोग कि boot camp में तुम वापस कब जाओगे, क्योंकि हम लोग boot camp में गए थे बहुत सारे यूट्यूबर, आपको पता ही होगा मैंने वहाँ पर वीडियोज बनाई थी काफ़ी सारी। और आप लोग पूछ रहे हो बहुत सारे लोग कि तुम boot camp में वापस कब जाओगे। तो boot camp में मैं जाता रहूँगा, आता रहूँगा। अभी मेरे घर पे थोड़ा काम चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ, बट उसके बाद आई थिंक 8-10 दिनों के बाद मैं फिर से boot camp जाऊँगा और वहाँ पर कुछ खतरनाक वीडियोज बनाएंगे, डालते हैं आप लोगों के लिए। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योर प्राउडेस्ट मोमेंट, तो भाई हाँ प्राउडेस्ट मोमेंट था मेरा जब मेरी यूट्यूब की पहली अर्निंग आई थी, और मैं पहली बार जब YouTube से कमाया था और मेरे घर पे पैसे आए थे, मैंने मम्मी को बताया था और पैसे दिखाए थे कि इतने पैसे आए भाई मम्मी, वो मेरा प्राउड मोमेंट था। और साथ में एक प्राउड मोमेंट और था भाई जो कि मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं अपने स्कूल गया था, किसी काम से स्कूल गया था, आई थिंक एग्जाम, हाँ एग्जाम देने गया था, प्री बोर्ड होते हैं 12th क्लास के, मेरे प्री बोर्ड का एग्जाम था। तो उस वक्त मैं स्कूल गया था, तो एक टीचर ने शायद उनके ट्यूशन के स्टूडेंट के लिए ऑटोग्राफ लिया था मेरा। तो भाई वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मतलब टीचर मेरा ऑटोग्राफ मांग रहे अपने स्टूडेंट के लिए, तो यार वो बहुत बहुत बड़ी बात थी, प्राउड मोमेंट था वो। मतलब एक तरह से तुम बोल सकते हो प्राउड फील किया यार कि मैं भाई मैं भी कुछ बन चुका यार, अलग फीलिंग थी वो, समझ नहीं पाओगे तुम लोग, अलग फीलिंग थी। तो उस वो काफ़ी प्राउड मोमेंट था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वाई यू स्टार्ट यूट्यूब, तो यूट्यूब मैं आज से 4 या 5 साल पहले स्टार्ट किया था यूट्यूब। और यूट्यूब मैं क्यों स्टार्ट किया था उसके बहुत सारे रीजंस है। तो जब मैं यूट्यूब पे स्टार्ट, मैं बस पहले स्टार्टिंग से गाइस बहुत सारे क्रिएटर को देखता था, बहुत सारे टेक के क्रिएटर, गेमिंग के क्रिएटर, तो मेरे को भी था कि यार यूट्यूब में करना है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे को पता लगा था कि यूट्यूब में अर्निंग भी होती है, हम लोग पैसा कमा सकते हैं वीडियो बना के। तो मेरे को यूट्यूब पे पहले से शौक था वीडियोज बनाने का, जब मेरे को पता चला कि यूट्यूब पे अर्निंग भी होती है, हम लोग पैसा भी कमा सकते हैं, वो भी अच्छा खासा। तो भाई मैं सोच लिया था कि भाई यूट्यूब ही करना है, यूट्यूब ही करना है। और मेरे घर के जो हालात थे वो उतने बढ़िया नहीं थे, समझ ही सकते हो तुम लोग। और मेरे को कुछ करना था यार अपने फैमिली के लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ करना था और अर्न करना था अच्छा खासा पैसा, उन लोगों को एक अच्छा लाइफ देना था, इसलिए मैं यूट्यूब किया। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट उन सबको फेस करते करते मैं आगे बढ़ता रहा और यूट्यूब पे पूरा फोकस किया और बस आज तुम्हारे सामने हूँ।
तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी है वाई स्टार्ट यूट्यूब के बाद है हमारा वेयर डू यू लिव। भाई तो मैं रहता हूँ हिमाचल प्रदेश सोलन में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ मैं। वैसे काफी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक भाई ने पूछा है, व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट, ठीक है, मतलब जो तुमको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है जब, मतलब लाइक होता है कि सबका ही होता है यार, जब भी कोई काम हम लोग डेली करते रहते हैं तो एक टाइम पे यार मतलब ऐसा फील करने लग जाते हैं यार कि आज नहीं करना यार, आज स्ट्रीम नहीं करनी, आज वीडियो नहीं डालनी। तो ऐसा बहुत बार हुआ भी, और जब मेरे साथ और स्टार्टिंग में भी हुआ, जब मेरे 50 सब्सक्राइबर थे, 80 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर, 10,000 भी थे एक बार, तो भी मेरा बहुत डीमोटिवेट फील कर रहा था क्योंकि व्यूज नहीं आते कभी कभार और अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, हेट मिलता है कई बार। तो वो सब चीजों को देख के बहुत जल्दी हम लोग जो क्रिएटर्स काफी सारे डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट भाई मैं कभी भी मोटिवेट मैं इसलिए रहता था हमेशा कि यार देखो, क्योंकि मैं अपना जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता था ना कि यार नहीं यार अब यूट्यूब नहीं करना, अब छोड़ देना है, तो मैं हमेशा मेरे बुरे टाइम को याद करता था, जो मेरे साथ बुरा टाइम था जब मैं यूट्यूब नहीं था, जब मेरे पास यूट्यूबर मतलब मैं जब यूट्यूबर नहीं था और जब मेरे पास यूट्यूब नहीं था, मैं अर्न नहीं करता था, और मैं जैसा कि तुम लोगों को बताया भी, मेरे फैमिली का जो उतना पैसा वाला मनी वाला जो कंडीशन है वो बढ़िया नहीं था। तो बाकी ये मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बता सकता कि मेरे फैमिली में क्या है, कौन है, क्या है, ये सब नहीं बता सकता, बट हाँ इतना बता देता हूँ कि हाँ पैसों की थोड़ी दिक्कत थी। और मैं एक टाइम पे, तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, आई थिंक मैं 11th क्लास या 10th क्लास में था, तो उस वक्त जब मैं कुछ अर्न नहीं था, घर की जो वो अच्छी नहीं थी, तो मम्मी को सपोर्ट करने के लिए, मेरा छोटा भाई और मम्मी, तो मम्मी को सपोर्ट करने के लिए मैं सोच रहा था कि तो गाइस जो डेली नीड्स की दुकान होती है, डेली नीड्स का जहाँ सामान मिलता है, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि छोटू होता है और वो सामान वगैरह पकड़ाता है। तो एक दिन क्या हुआ था कि वो सब कुछ मतलब अपने घर की वो देखने के बाद मैं अपने मम्मी को बोला स्कूल से आने के बाद, कि मेरा एक फ्रेंड था स्कूल का, वो भी उसका वो काम करता था, तो मैं अपनी मम्मी को बोला कि मेरे को ये काम करना है और मैं स्कूल के बाद यहाँ पर जाऊँगा और इस दुकान में थोड़ा काम करूँगा थोड़ी देर, और मेरे को आई थिंक शायद 8,000 या 7,000 कुछ सैलरी मिलने वाली थी, ऐसा कुछ मैंने सुना था उस अपने दोस्त से। तो मेरे को लगा कि यार मेरे को भी करना चाहिए, तो मैं अपने घर वालों की थोड़ी हेल्प कर पाऊँगा, तो मैं मम्मी को बताया। तो उस दिन मेरे मम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, रो भी रहे थे कि अरे बेटा तू इतना वो नहीं, तो मतलब थोड़ा सा क्या बताऊँ, तो उस वक्त बहुत बुरा, उस वक्त मतलब बहुत बुरे, और इससे भी बहुत बुरे दिन देखे, बट ये सब मैं कभी और बताऊंगा आप लोगों को, आज क्यों मैंने थोड़ा उतना इमोशनल ही करूंगा, कभी और बताऊंगा ये सब बातें। तो उस वक्त मैं वो काम करने का सोच रहा था कि यार 8-10 हज़ार रुपये के लिए मैं किसी दुकान में काम करूँ, तो बट यार वही है ना, बोलते जो किस्मत में लिखा है वही मिलता है। तो उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, तो उसके बाद मेरे को ये था कि नहीं यार मेरे को अपने फैमिली वालों को सपोर्ट करना है कैसे भी करके। तो मैं भाई सब कुछ छोड़ दिया था, खेलना कूदना, घर से बाहर जाना। बट देखो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि यार हम लोग कैसे मोटिवेट रहे, कैसे बड़े यूट्यूबर बने, तो भाई यार देखो अपने काम पे ना हमेशा यार अपना जो बुरा टाइम है ना हमेशा याद रखो। मैं सोचता था कि यार जब मेरे पास यूट्यूब पे थोड़ा सा डाउन होता था, तो मैं सोचता था एक टाइम पे मैं वो काम करने वाला था इतने कम रुपए के लिए, तो और आज मेरे पास इतना अच्छा सब कुछ है, तो मैं लोगों की बातें सुन के या लोगों की वो करके यार अपने आप को क्यों डीमोटिवेट करूँ यार। और मेरे घर का कंडीशन देखते तो मेरे को हमेशा अपना मम्मी का और ये सब मेरे भाई का और सबका चेहरा याद आ जाता था, तो इसलिए मैं हमेशा जो है अपने काम पे फोकस करता हूँ और अपने काम पे हमेशा ध्यान देता हूँ और वीडियोस डेली अपलोड करता हूँ। गाइस यही सब चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती है, हमेशा मैं वो टाइम याद करता हूँ जबकि मैं वहाँ पे दुकान में काम करने वाला था और अब जो मैं यहाँ पर हूँ, तो बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए यार। तो मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ, बट कभी कभी हाँ हो जाता है डीमोटिवेट, तो मैं याद करता हूँ यार वो बुरे दिन की, यार भाई मैं ये करने वाला था और मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं मतलब अपने चीज़ों को मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो तरसना होता है ना, तो वो होता है। तो बट मैं अपने मम्मी पे पेरेंट्स पे भी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि जितना मेरे पेरेंट्स करते थे मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा करते थे, जितना उनसे हो पाता था उतना करते थे। तो बट अपने को क्या था कि अपने को थोड़ा ज़्यादा चाहिए था स्टार्टिंग से, अपना वो था कि यार अपने को कुछ बड़ा करना है लाइफ में और अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ बड़ा करना है। यार सोचा तो बहुत बहुत कुछ था, मतलब इससे इतना बड़ा तो नहीं सोचा था जितना मैं आज हूँ, इससे भी मतलब सोचा इतना बड़ा तो सोचा नहीं था क्योंकि होता है यार थोड़ा थोड़ा होता है सबका, एक मिडिल क्लास बॉय का यही होता है ड्रीम के अच्छा खासा थोड़ा बहुत अर्न कर लूँ यार, 1-2 लाख का जॉब मिल जाए और अपने पेरेंट्स को खुश रखूँ, घर वालों को खुश रखूँ और थोड़ी बहुत ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। बट यार आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना रहा कि मैं आज जहाँ भी आप लोग देख सकते हो, तो यही सब चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और आज मैं तुम लोगों के सामने हूँ। तो यही है। तो गाइज अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि बड़े यूट्यूबर कैसे बने, आपकी तरह इतने सब्सक्राइबर कैसे गेन करें, या एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बने अपने आप को हमेशा मोटिवेट। तो मैंने बताई दी आपको कैसे आप लोग मोटिवेट कर सकते हो अपने आप को, बस यार ध्यान लगा के रखो। और सक्सेसफुल बनने के लिए देखो एक काम, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो यार आप लोगों को बहुत सारे लोग ना आज की डेट में क्या है कि सबको यूट्यूबर बनना है भाई, सबको यूट्यूबर या मतलब कोई भी चीज़ करनी है ना आपको, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि आपको यूट्यूबर बनना है, ज़रूरी नहीं है कि सबको यूट्यूबर बन जाए यार, ये आसान
नहीं है, अगर आपको लगता है कि YouTube में वीडियोस डाल के आप लोग ग्रो हो जाओगे बहुत जल्दी और आप अच्छा खासा बहुत लाखों करोड़ों रुपए अर्न करोगे, तो वैसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मेहनत हर जगह पे लगती है, चाहे आप YouTube करो चाहे आप कुछ और करो, हर एक काम में मेहनत लगती है। तो यार सक्सेसफुल बनने के लिए आपको देखो यार, पहले तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कुछ एक हफ्ता वीडियोस अपलोड करने के बाद बोलते हैं यार भाई बस मैं तो थक गया भाई, मेरे को सपोर्ट करो, सुपर चैट करते कहीं जाके, कमेंट करते भाई यार सपोर्ट करो, मेरे घर में ये बीमार है, मेरे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, सिर्फ एक हफ्ता वीडियो डालने के बाद। और जब मैं उनके चैनल देखता हूँ, मोस्ट ऑफ 99% लोगों के जब मैं चैनल देखता हूँ, उसमें सिर्फ 4-5 वीडियो डाली होती है और बस उसके बाद वो हार मान जाते हैं। तो भाई इतने जल्दी हार नहीं माननी है भाई, बहुत आगे बढ़ना है तुम लोगों को, अगर आगे जाना है, अगर कुछ कर दिखाना है भाई, कुछ सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, तो उसके लिए स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। इतने जल्दी नहीं हो सकता कि तुम एक हफ्ता दो हफ्ता दो, मैंने भी अपनी 3-4 साल दिए उसके बाद जाके आज तुम्हारे सामने हूँ यहाँ पर। जितना भी हूँ मैं अपने आप को कभी बड़ा नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा क्रिएटर हूँ या फिर मैं बेस्ट क्रिएटर हूँ, मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ और तुम लोग के सामने हूँ जो भी हो, और तुम लोग मुझे जज कर सकते हो, तुम्हारे पास बिल्कुल राइट है, और यही है यार। ठीक है, तो सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए भाई तुमको बस मेहनत करते रहो और यार डेली वीडियो डालो, मेहनत करते रहो, 2 साल 3 साल दो, अपने टाइम दोगे, क्योंकि टाइम जितना टाइम दोगे उतना एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस होगा तो यार उतना ही बढ़िया तुम अपने काम पे रहोगे। क्योंकि तुम लोगों ने भी देखा होगा यार, जिस काम को तुम मतलब एक गेम रहता है एक ना, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ऐसा टाइप का गेम खेला होगा, एक टाइप का गेम होता है जिसमें हम लोग लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 होता है, हम लोग लेवल 1 पे मर गए, लेवल 1 पे फिर से हम लोग करते हैं, 2 पे पहुंचते हैं, 2 पे मर गए फिर से वो लेवल 1 पे भेजता है, फिर हम लोग 3 पे पहुंचते हैं तो फिर से 3 पे मर गए तो हम लोग लेवल 1 पे आते हैं, बट लेवल 1 2 3 हम लोग ना फिर इजी तरीके से पहुंचना मतलब इजी तरीके से पार करना स्टार्ट कर देते हैं मतलब लाइक, और फिर हम लोग 10th लेवल पे पहुंच गए ना बहुत मुश्किल से, गिर गिर के वापस आके फर्स्ट लेवल पे आके, तो वो जो फर्स्ट से सेकंड पे आना और सेकंड से थर्ड पे, फोर्थ से फिफ्थ पे आना ना, वो हम लोग के लिए इजी होता है। वो इसलिए इजी होता है क्योंकि तुम लोग उसको बार बार रिपीट कर चुके हो, वो एक्सपीरियंस है तुम लोग उस चीज का, वो तुम टाइम दे चुके हो। तो वही चीज़ है, छोटा सा अगर किसी को समझ में आ गया 1 2 3 4 वाला गेम तो वो समझ गया, जिसको नहीं आया होगा भाई वो फिर से देख लेना, शायद समझ जाओ तुम लोग, नहीं समझ पाओ तो भाई माफ करना, कमेंट में पूछ लेना बता दूंगा। तो यही चीज़ें, जितना ज़्यादा तुम किसी चीज़ को अपना टाइम दोगे, एक्सपीरियंस तुमको उतना ज़्यादा होगा उस चीज़ का, और तुम उस पर और ज़्यादा बेटर कर पाओगे। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट्स व्हाई योर चैनल नेम इज AS गेमिंग। हाँ, ये गाइस बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि यार तुमने अपने चैनल का नाम AS गेमिंग क्यों रखा है, भाई इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। ठीक है, तो गाइस इसका मतलब है A से है अक्षय और S से है साहिल, AS अक्षय और साहिल। तो अक्षय मेरे छोटे भाई का नाम है जो कि वीडियोज में आता रहता है, आप लोगों को पता ही है, जिसका नाम जिसका चैनल AS आर्मी है, तो जिसपे 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर अभी हो चुके हैं, तो मेरे भाई का चैनल है। तो गाइस अक्षय उसका नाम है और साहिल मेरा नाम है। तो मैंने स्टार्टिंग में ना अपने चैनल का नाम बहुत पहले AS व्लॉग्स रखा था, क्योंकि मेरे को लगता था कि जो चैनल के नाम होते हैं व्लॉग्स जो होते हैं वो वीडियोस होते हैं, जैसे गेमिंग टेक हर कोई वीडियो को व्लॉग बोलते हैं, बट मेरे को बाद में पता चला था कि व्लॉग अलग होते हैं और वीडियोस जो ये गेमिंग सब कुछ अलग होता है। तो इसलिए मैंने AS व्लॉग्स से हमेशा मैंने नाम चेंज करके AS गेमिंग कर दिया, और उसके बाद मैं AS गेमिंग के बाद कभी भी आज तक चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरे को सही लगा था। उसके बाद मैं चेंज क्योंकि बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, तो मेरे को लगा था नाम से ये चेंज करने की जरूरत नहीं, तो मैं कभी चेंज नहीं किया। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, सेटअप टूर कब आएगा। तो गाइस बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि भाई सेटअप टूर कब आएगा, लास्ट 5-6 महीने से लोग मुझसे पूछ रहे कि सेटअप टूर कब आएगा। तो देखो यार, सेटअप टूर का ऐसा है कि अभी मैं जो मेरा नया गेमिंग रूम है वो रेडी हो रहा है, तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को सेटअप टूर देखने को मिल जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग बस 1 महीना और लगेगा, और बस उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा सेटअप टूर गेमिंग रूम। तो उसमें आप लोग को पूरा सेटअप दिखाऊंगा, गेमिंग रूम दिखाऊंगा अपना मैंने कैसे बनाया इतना, तो वो जल्दी आ जाएगा, 1 महीना दो मेरे को। तो चलो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके पास कौन सी कार है एंड विच कार इज योर फेवरेट। मतलब अभी देखो मैं सच बताता हूँ, मेरे पास अभी कोई कार नहीं है, बट कार से मेरे को एक याद आया कि यार मेरे को ना, मैं अपनी मम्मी को ना आज तक कुछ भी गिफ्ट नहीं किया हूँ, मतलब गिफ्ट तो छोटी मोटी चीज़ें गिफ्ट किया हूँ, उतनी कोई बड़ी चीज़ गिफ्ट नहीं किया, और जितना भी अर्निंग करता हूँ वो तो खैर मम्मी के पास ही मतलब बैंक में ही रहता है, मैं अपनी जेब में तो नहीं रखता हूँ, वैसा तो लड़का नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं कभी कुछ ना गिफ्ट नहीं किया हूँ बड़ी चीज़। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ना कि मेरी मम्मी को मैं कुछ एकदम बढ़िया चीज़ गिफ्ट करूँ, वो एक कार हो सकती है, और वो कार काफी सही कार हो सकती है, मतलब छोटी मोटी नहीं महंगी कार है काफी। तो अगर इस वीडियो पे ना इस Q&A पे 1 मिलियन लाइक्स हो जाते हैं तो मैं बहुत जल्द अपनी मम्मी को एक कार गिफ्ट करूंगा और उसका पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा, वो सिर्फ मेरी मम्मी के लिए कार सिर्फ स्पेशल मम्मी के लिए खरीदूंगा और अपने लिए एक अब अलग है। और हाँ, पूछा था कि योर फेवरेट कार भी पूछा था कि तुम्हारी फेवरेट कौन सी कार है, तो मैं ये तो लग गया। अगर इस पे वीडियो पे 1 मिलियन लाइक हो जाते, वैसे तो मैं दिलाने वाला हूं, बट अगर 1 मिलियन लाइक जल्दी हो जाते तो मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी मम्मी को अपने कार गिफ्ट करूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने सभी दोस्तों को बोलना लाइक करने को, तो मैं और पूरा व्लॉग भी बनाऊंगा, मैं उसका झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच में कार गिफ्ट करूंगा मम्मी को। और मेरी फेवरेट कार है भाई,
मेरे को भी खरीदनी है कार, और भाई वो मेरी ड्रीम कार है बहुत पहले से, आज से नहीं बहुत पहले से। मैं उसका तुम लोगों को बस थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, उसका जो कार का नाम स्टार्ट होता है एम से, और अब तुम समझ जाओ यार, वो शायद एक दो यूट्यूबर ने अभी ली भी है फिलहाल, हाल फिलहाल में, बट वो मेरी बहुत पहले से ड्रीम कार है यार, बहुत पहले से, और जिन्होंने ली उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, मेरी भी फेवरेट कार है यार, कभी मेरे को भी मौका मिलेगा खरीदने का तो तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा तुम लोगों को, बाकी कमेंट में तुम लोग गेस कर सकते हो, मेरे को तो लग रहा है तुम समझ जाओगे, बट फिर भी चलो आगे बढ़ते गाइस। तो अगला क्वेश्चन है हमारा फेवरेट यूट्यूबर। तो यार फेवरेट यूट्यूबर बहुत सारे लोगों ने पूछा था, फेवरेट यूट्यूबर एक ना यूट्यूब पे यार फ्री फायर की वीडियोस डालता है एक क्रिएटर यार, उसका नाम ना, उसके कुछ 12 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसका नाम ए एस गेमिंग है शायद यार, ए एस गेमिंग, हाँ मैंने उसको देखा था मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो यार ऐसा कोई फेवरेट, मतलब सब फेवरेट है यार, एक एक का नाम नहीं ले सकते, सब कोई फेवरेट यूट्यूबर है, अपने ज्ञान भाई, लोके लोकी, अपने सब दोस्त है यार, सब कोई अपने फेवरेट है, सब अपने भाई है, और भी क्रिएटर है, सब एक एक का नाम लूंगा तो फिर सब बुरा मान जाएंगे मेरा नाम लिया में, सब कोई फेवरेट है, सब कोई अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मेरी नज़रों में तो हर एक क्रिएटर बढ़िया है, हर एक क्रिएटर, चाहे मेरे को बुरा बोले, चाहे मेरे को बुरा भला बोले, चाहे मेरे को अच्छा बोले, मेरे लिए तो सब कोई क्रिएटर अच्छे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है, वाई यू यूज चिमकांडी वर्ड वर्ड एंड तुमने ये कहाँ से सुना था? ठीक है, तो चिमकांडी वर्ड मैंने बहुत सब, मैं अब अभी तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ मैं चिमकांडी वर्ड, बट पहले बहुत यूज़ करता था अपनी लाइव स्ट्रीम और वीडियोज़ में। तो ये चिमकांडी वर्ड ना, एक टिकटॉकर था एक बंदा, उसका नाम चिमकांडियन, उसने कुछ इसने उसने टिकटॉक पर यह स्टार्ट किया था, अब टिकटॉक बैन होने से पहले उसने स्टार्ट किया था, तो वो अपनी वीडियोज़ में चिमकांडी चिमकांडी बोलता था, और अभी भी शायद इंस्टाग्राम पर मैंने उसका प्रोफाइल देखा था, तो उस वर्ड ने, उस बंदे ने स्टार्ट किया था चिमकांडी शब्द बोलना, और उसके बाद मैंने भी सुना था तो मेरे को सही लगा था, और फ्री फायर के भी बहुत सारे क्रिएटर बोलते थे तो मेरे को सही लगा, मैं बोला कि इसको यूज करते हैं भाई, चिमकांडी मेरे मुंह में चढ़ गया, जैसे ओपी ओपी बोलते तो ओपी ओपी मेरे मुंह में आ गया भाई, ओपी ओपी वैसे चिमकांडी आ गया, बस नॉर्मल, ऐसा कोई खास नहीं है। तो चलो गाइस अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इफ फ्री फायर गेट बैंड, अगर फ्री फायर इंडिया में बैन हो जाता है तो आपका क्या होगा और आप क्या करोगे? तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है ये, तो भाई यार इसका क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगा, अगर फ्री फायर बैन हो भी जाता है इंडिया में, मान लो, वैसे तो ना ही हो यार, भगवान करे, ऊपर वाला करे, ना हो भाई ना हो भाई, बट अगर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, और भी बहुत सारी गेम्स है भाई, वो आप पर है, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हो, क्रिएटर को मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे प्यार करते हो, तो मेरे जो लोग मुझे प्यार करते होंगे, जो लोग फ्री फायर को प्यार करते होंगे वो तो फ्री फायर ही देखेंगे, बैन हो गई तो वो मेरा चैनल नहीं देखेंगे, जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो मैं चाहे GTA डालूं, माइनक्राफ्ट डालूं या कोई भी अलग गेम डालूं, वो मुझे देखने के लिए फिर भी आएंगे, और अगर थोड़े से लोग भी आए तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है यार। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार एक भाई ने पूछा है कि आप जो अपनी वीडियोस है वो उसको स्क्रिप्ट करते हो, मतलब पहले से सोच के रखते हो कि मेरे को ये बोलना है, उसके बाद रिकॉर्ड करते हो। तो देखो यार वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और जो मेरे मन में आ रहा है, जो उस पर है वो मैं कमेंट्री कर देता हूँ, ठीक है। तो अपना लास्ट जो क्वेश्चन है वो एक भाई ने पूछा है, सुमित भाई ने, कि तुम्हारा सबसे बैड मोमेंट कौन सा, सबसे बेकार मोमेंट जो तुम्हें आज तक याद है, जो तुम्हारे सबसे बुरा हुआ था लाइफ में। तो आई थिंक जब मैं सेकेंड या थर्ड क्लास में था, तो मैं जब गाँव में रहता था, तो अभी तो गाँव में नहीं रहता मैं, जब मैं गाँव में रहता था, मेरा भाई जो छोटा भाई है वो और भी बहुत ज्यादा छोटा था, वो शायद फर्स्ट क्लास में पढ़ता था या केजी नर्सरी में पढ़ता था शायद उस वक्त, और हम लोग का ऐसा था कि गांव से 2 किलोमीटर दूर एक स्कूल था जहाँ पर मैं पढ़ने के लिए जाता था, तो मैं डेली वहाँ से डेली डेली जाता था, सुबह में तो जो बस रहती थी वहाँ से मैं आता था, तो वो फ्री रहता था, उसमें पैसे नहीं देने पड़ते थे, फ्री में वो बस छोड़ती थी स्कूल तक, और जब स्कूल से वापस आना होता था तो उस वक्त जो है बस का किराया रहता था, बस का किराया होता था, आई थिंक मेरे को आज भी याद है, 2 रुपये होते थे पर पर्सन, ठीक है, 2 रुपये मेरे और 2 रुपये मेरे भाई के। तो उस वक्त क्या होता था कि मेरे पास ना बस का किराया तक नहीं होता था भाई, 2 रुपये नहीं होते थे मेरे पास किराए के लिए, बस के किराए के लिए। तो मैं क्या, उस वक्त मैं आई थिंक थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में था, जितना मुझे याद है अच्छे से, उससे ज़्यादा नहीं था, थर्ड या फोर्थ क्लास में था, तो 2 रुपये किराया होता था बस का, तो उस वक्त मेरे पास वो 2 रुपये नहीं होते थे किराए के लिए, तो मतलब मेरे पास 2 ही रुपये होते थे, अब मेरा भाई भी है मैं भी हूँ, तो थोड़ा सा फनी भी है, हम लोग क्या करते थे, और भी मेरे कजन्स वगैरह थे तो वो भी जाते थे वहाँ से, उनके पास होता था बट मेरे पास नहीं होता था, कभी कभी मैं मांग लेता था ताया जी से या और भी लोग थे, बट कभी कभी जब नहीं मिलते थे पैसे तो मैं क्या करता था कि अपने भाई को बस की जो सीट रहती थी ना, हम लोग लास्ट सीट में बैठते थे, और बस की जो सीट स्कूल बस नहीं रहती थी, सरकारी बस जिसको बोलते वो थी, तो बस की लास्ट सीट के नीचे मैं अपने भाई को छुपा लेता था, और कभी कभी मैं छुप जाता था बस की लास्ट सीट के नीचे, तो जब कंडक्टर आता था तो वो मतलब उसको पता नहीं चलता था और वो चला जाता था, मैं 2 रुपये किराया दे देता था, तो इतना बुरा टाइम था कि मेरे पास 2 रुपये नहीं होते थे किराए के लिए। तो ये सबसे बुरा टाइम मैंने देखा हूँ अपनी लाइफ का, और वो जो बस कंडक्टर था ना वो बहुत ज़्यादा खड़ूस था यार, तो मतलब बहुत रोना भी आता है उस टाइम सोच के, बट अभी तो मैं आता हूँ, अभी तो रोना नहीं है भाई वीडियो में,
बट बहुत बुरा भी लगता है वो टाइम को याद करते हुए। मैं सोचता हूँ काश मैं उस टाइम में वापस जा पाता और मैं खुद को ही पैसे दे पाता कि ले भाई तू बस का किराया, ले भाई तू बस में डेली किराया दे के जा। तो और कभी कभी मेरे को पैदल भी जाना पड़ता था, मतलब जब बस का किराया नहीं है भाई, 2 रुपये भी नहीं है, तो फिर 2 या 3 रुपये होते थे, इससे ज़्यादा नहीं होते थे, मेरे को अच्छे से याद है आज भी। तो 2 किलोमीटर होता था, तो उस वक्त फिर मेरे को पैदल चलना पड़ता था। पैदल चलते होते भाई 1-1.5 घंटा लगो, 1-1.5 घंटा हो जाता था भाई पैदल चलते चलते। तो वही था गाइस, तो कभी कभी फिर मेरे को 2 किलोमीटर जो है पैदल जाना पड़ता था मेरे छोटे भाई के साथ। मेरा छोटा भाई जो है बहुत छोटा था उस वक्त, नर्सरी या फर्स्ट में था, इससे ज़्यादा नहीं था, नर्सरी या फर्स्ट में पढ़ता था, तो बहुत ही छोटा था। तो उसको फिर गोद में उठा उठा के कभी जाना पड़ता था। 1-2 कज़न मेरे और भी थे, वो भी मेरे साथ ही आते थे, 1-2 क्लास बड़े थे मुझसे वो, तो वो भी साथ ही आते थे। तो कभी कभी उसको, तो मेरा छोटा जो भाई था, अब मैं तो चल ही पड़ता था। 2 किलोमीटर वैसे उतना भी ज़्यादा नहीं होता, बट हम लोग पहाड़ी में वहाँ रहते थे, तो बहुत मोड़ वोड़ ऐसे ऐसे रहते, तो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता है वो, तो थक जाते थे स्कूल के बाद। तो मेरे भाई को किसी तरह की कोई लालच दे के, भाई तेरे को ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी, तब उसको चला चला के लाते थे, वो पीछे रह जाता था बहुत, हम लोग आगे। तो वही चीज़ है यार, वो टाइम मैं कभी नहीं भूल सकता अपने लाइफ का, और सबसे बुरा मोमेंट है भाई वो मेरी लाइफ का। तो वही चीज़ है, और भी बहुत सारे मोमेंट है ऐसे, बट कभी और शेयर करेंगे। अगर तुम लोगों को जानना हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ऐसी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और बाकी यही सब है यार, आज तुम्हारे सामने हूँ, जो भी हूँ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज यहाँ पर हूँ, जहाँ पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर पे और अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को एक अच्छी खासी लाइफ दे पा रहा हूँ, वो आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना आगे पहुंच जाऊंगा, और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा यार, नाम लेते लेते ना तो बहुत सारे कुछ लोगों का मिस हो जाएगा नाम। तो आज मैं सभी को थैंक यू बोलता हूँ दिल से, जिन जिन लोगों ने, आप लोगों को पता है, जहाँ अगर आप वीडियो देख रहे हो आपको पता है कि हाँ आपने मुझे सपोर्ट किया है, तो दिल से थैंक यू अगर आपने मुझे सपोर्ट किया है, सब्सक्राइबर से लेकर किसी यूट्यूबर तक, या किसी मेरे फ्रेंड तक जो अब फ्रेंड नहीं है या अभी भी फ्रेंड है, या किसी यूट्यूबर ने जिसने मुझे सपोर्ट किया था, आप ही, आपको हाथ जोड़ के थैंक यू, दिल से थैंक यू, आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और एक बंदा, एक यूट्यूबर का तो मैं कभी भी ऐसा नहीं भूल सकता हूँ, और वो भाई अगर वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ दिल से थैंक यू मेरे भाई, आपने मेरा सपोर्ट किया स्टार्टिंग में, और आज मैं आपके सपोर्ट और आपके प्यार की वजह से, मैं आपके दिल के, आप में, मेरे दिल में अभी आपके लिए हमेशा इज्जत रहेगी और हमेशा रहेगी भाई। मैं चाहे आपसे ऊपर भी निकल जाऊँ, चाहे आपसे नीचे भी रहूँ, तो मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके लिए हमेशा इज्जत रहेगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में सामने से मुझे सपोर्ट किया है, वो बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। और गैस, आज का जो Q&A वीडियो है वो यहीं पर एंड करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाया, क्योंकि बहुत सारे रिपीटिव क्वेश्चंस थे, और कुछ फिर अगर सब क्वेश्चंस लेता तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाती, तो वो मैं नहीं चाहता था। अगर और क्वेश्चन जानने हैं तो मैं, मतलब एक काम कर सकते हैं हम लोग, कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे, अगर आप लोग बोलते हो तो मैं कमेंट करके बता देना, मैं Q&A का एक लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ स्पेशल 2-3 घंटे का, जिसमें मैं आपके पूरे हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तो वो सब भी हो सकता है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो, सब्सक्राइब कर देना। 1 मिलियन लाइक का मैंने एम रखा है, अगर मम्मी को गिफ्ट, वैसे तो मम्मी को कार में गिफ्ट करने ही वाला हूँ, सुनना ले, सरप्राइज़ कार गिफ्ट करने वाला हूँ। और तो अगर इस पे 1 मिलियन लाइक हो जाते तो मैं जल्दी करूँगा, अच्छी कार है काफ़ी, तो उसका ब्लॉग भी बनाऊँगा। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।